MS Dhoni is no longer the captain of Chennai. Rituraj Gaikwad is the new captain of Chennai. And let's be honest, this is the end of an era. And Rituraj Gaikwad is going to debut his captaincy against Bangalore. And interestingly, Bangalore's captain, Faf du Plessis, has been the former opening partner of Rituraj. So brace yourselves, people, because this is the opening match. And it is Chennai versus Bangalore. Rituraj Gaikwad ka ye debut hone wala hai as a captain, but unfortunately this may be the last season that MS Dhoni is featuring in. 5 IPL trophies jitai hai MS Dhoni ne, which is, let's be honest, a very big deal. And this may be one of the last few times we are seeing Virat Kohli and MS Dhoni facing each other in the field. और historically अगर देखें तो चेन्नई ने हमेशा बैंगलोर को overpower किया है, with Chennai defeating Bangalore almost 20 times and Bangalore defeating Chennai only 10 times. और इस बार तो मैच भी चेन्नई में होने वाला है, so this is double danger. Virat Kohli and team will have to amp it up. तो आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई फिर से इस legacy को continue करते हुए जीत जाएगी? अगर हाँ तो select करो yes, और अगर आपको लगता है कि ये opening match तो बैंगलोर का ही है तो select करो no. अगर डिफेंडिंग चैंपियंस को बैंगलोर को हराना है तो कैप्टन ऋतुराज को अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा. एंड लिटरली एवरीवन इज बैकिंग द कैप्टन, चाहे वो एमएस धोनी हो, कोच स्टीफन फ्लेमिंग हो या सीईओ विश्वनाथन हो, उनके पास सबका सपोर्ट है. एंड ऋतुराज हैज कंसिस्टेंटली बीन अ वेरी गुड परफॉर्मर ऑफ चेन्नई. इनफैक्ट पिछले सीजन में उन्होंने 590 रन स्कोर किए थे एंड चेन्नई वन द टूर्नामेंट. तो अगर आपको लगता है कि ऋतुराज अपना फॉर्म इस सीजन में भी कंटिन्यू करेंगे, इनफैक्ट इस मैच में भी कंटिन्यू करते हुए, he will score more than 50 runs in the very first match, तो आप सिलेक्ट करेंगे yes. और आपको लगता है कि शायद फॉर्म लेटर मैचेस में दिखेगा और पहले में 50 नहीं स्कोर कर पाएंगे, तो सिलेक्ट नो. Now let's talk about the man of the hour, Virat Kohli himself. Virat Kohli ने recently एक छोटा सा break लिया. उन्होंने England Test Series miss करी थी because he welcomed his second child Akai Kohli and the country showered love at him. और double खुशी की बात तो ये है कि women's team trophy जीत चुकी है, which will increase the pressure on the men's team as well. And Virat Kohli is no ordinary player. 7,000 plus runs in this league alone he holds. तो ऐसे प्लेयर जब कमबैक करते हैं तो धमाकेदार ही करते हैं, और विराट कोहली ने तो हिस्टोरिकली हमेशा धमाकेदार एंट्री करी है आफ्टर अ ब्रेक. नाउ डू यू थिंक विराट कोहली विल कम बैक इन दिस सीजन विद हिज एक्सीलेंट फॉर्म? क्या पहले ही मैच में उनका शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा? इफ यू थिंक कि वो पहले ही मैच में 50 के ऊपर स्कोर करेंगे तो यू सिलेक्ट यस. और आपको लगता है कि नहीं, शायद फॉर्म आने में कुछ समय लग जाएगा क्योंकि कमबैक किया है, तो आप सिलेक्ट कीजिए नो. अगर पहले मैच में किसी एक प्लेयर को पावर प्लेयर का खिताब देना है तो आई एम प्रीटी श्योर रविंद्र जडेजा इज अ परफेक्ट फिट, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड डेंजरस प्लेयर. अगर बैंगलोर को जीतना है तो विराट कोहली और पूरी टीम को इस एक प्लेयर से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा. सो कीप योर आईज ऑन रविंद्र जडेजा, बिकॉज हिज परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी अ किलर वन. सो इफ यू थिंक यू हैव ग्रेट क्रिकेट इनसाइट, गो टू MPL Opinio एंड टेस्ट योर क्रिकेट नॉलेज.